ಇಂಡಿಯಾ. मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे. और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे. इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो. धन्यवाद. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश में आजादी की सुबह विभाजन की लकीर के साथ आई. बंटवारा सरहदों का ही नहीं हुआ, घमासान घर में भी था. मातृभूमि का दलित सपना तड़प रहा था. डॉक्टर अंबेडकर सदियों से पीड़ित शोषितों के लिए उम्मीद की नई सुबह थे. लोकतंत्र का जो सूरज खिला था, उसकी रोशनी दलितों की अंधेरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए संविधान बना. धर्म और जाति की सदियों पुरानी जंजीर काटी गई, लेकिन 68 साल में जमीन पर क्या बदला. हमारे देश में आज भी जब आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं, तो जो शुरू में जो सवाल आते हैं उसमें वो क्या सवाल होते हैं, वो सवाल होता है कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, कहां के रहने वाले हैं. वो प्रश्न का अर्थ यही होता है कि आपकी जात क्या है. यह है महाराष्ट्र के भंडारा जिले का खैरलांजी गांव. 29 सितंबर 2006 यानी 10 साल पहले यहाँ एक दलित परिवार का नरसंहार हुआ था. हत्याकांड ने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया. अपनी आंखों के सामने भैया लाल भूतमांगे ने अपने पूरे परिवार को कत्ल होते देखा. आज इस गांव में उसकी डरावनी यादों के सिवा कुछ बचा नहीं. हिंसा के बाद हौसला हारा, वो गांव से दूर चला गया. 6,74,419 एट्रोसिटी की घटनाएं, ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है. इसमें 13,766 दलित मारे गए, उनकी हत्याएं हुई. 27,000 से ज्यादा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए. तो ये जो घटनाएं हैं, अगर हम इन घटनाओं को थोड़ा सा और इम्पैक्ट के तौर पे देखें, तो करीब 70 लाख लोग एट ए मिनिमम लेवल अत्याचारों से पिछले 25 सालों में प्रभावित हुए हैं. हत्याकांड के 10 साल बाद भी खैरलांजी के दलित अपने अगड़े पड़ोसियों पर भरोसा नहीं कर पाते. डर का साया इतना गहराया कि ज्यादातर परिवार गांव से पड़ोसी गांवों की बस्तियों में पलायन कर गए, लेकिन कुछ परिवार वहीं रह गए. डर के साय में आज वो कैसे रह रहे हैं, यही जानने सीएनबीसी आवाज की टीम खैरलांजी पहुंची. गांव के छोर पर हमारी मुलाकात हुई खोबरागड़े परिवार से. दलित होने का दंश क्या होता है, ये खोबरागड़े परिवार की शशिकला से सुनिए. हमारे काज का कामकाज में दिक्कत आती, मगर हम अपने तरीके से दिक्कतें को पार रहे हैं. किस तरह की दिक्कत आती है, एग्जाम्पल? हाँ, हमारे काम में हर तरह की दिक्कतें आती है. कोई अच्छा काम करने का रहा तो हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता. मिलता मगर कुछ कहीं कहीं अड़चने झेलने के बाद हमें कोऑपरेशन मिलता है. शशिकला के घर की दीवारों में खिल रहे सपनों और उम्मीदों की नई सुबह है शशांक खोबरागड़े. बाबा साहब आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 साली मध्य प्रदेशात इंदूर जवळ महू या गावी झाला. झोपड़ियों में पल रहे इन सपनों की राह आसान नहीं. महीने भर की मेहनत से परिवार सिर्फ 5,000 रुपए कमा पाता है, लेकिन आधी रोटी खाकर भी परिवार पेटे की दुनिया से अज्ञान के अंधेरे को हटाना चाहता है.
उसको पढ़ाना चाहिए क्या? पढ़ाना तो चाहे चाहते हैं हम, वो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक पढ़ाएंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, ये इच्छा है। इच्छा है। खैर लांजी हो या देश के दूसरे गांव, हर जगह दास्तां एक सी ही मिलेगी। हकीकत तो ये है कि आज भी गांवों तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का दम घुट जाता है। मूक नायकों को आवाज तो मिल गई, लेकिन स्कूल, पुलिस थाने हो या कारोबार, हर जगह पर आज भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। अगर जाति व्यवस्था का निर्मूलन करना है तो धर्म ग्रंथों को बारूद लगाने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है, देश के करीब 37.8% गांवों के सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को अलग से बैठाया जाता है। 33% सरकारी हेल्थ कर्मचारी दलितों के घर जाने से मना कर देते हैं। और तो और, देश के करीब 23.5% दलितों के घर आज भी चिट्ठी नहीं पहुंच पाती। इस हकीकत से हम खैर लांजी में भी रूबरू हुए। शशिकला ने आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी के लिए आवेदन किया। महीनों तक उसके पास कोई जवाब नहीं आया, जबकि गांव के गैर दलितों के घर चिट्ठी आसानी से आ गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक मां है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा कमजोर है, दूसरा बच्चा बीमार है, और उस मां के पास एक अंडा है, तो उस मां को तय करना है कि अंडा किसको देना है। और उसमें हमारा मानना यह है कि मां जो अंडा देती है वो कमजोर बच्चे को नहीं देती, वो बीमार बच्चे को देती है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि अंडा आप आधा आधा दे रहे हैं। आप न्याय दिखाने के चक्कर में आप अन्याय कर रहे हैं। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज की कोई एक इकाई नहीं होती। इसके दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछूत। नागपुर के गोपाल राजवाड़े की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गोपाल 7 साल से नागपुर साईं मंदिर में नारियल फोड़ते थे, लेकिन अब अचानक से इस काम के आगे जाति की दीवार खड़ी हो गई। शाम के साहब आए तो मैंने सेवकार से बात करा, मैं और मेरा जोड़ीदार गया था, तो हमने बात करा साहब क्या होगा, तो बोले तुम दोनों नारियल नहीं फोड़ना, तुम्हारा ऐसा कैसे नारियल नहीं फोड़ेंगे, तो बोले तुम अपना साफ सफाई काम करते हैं, सिपाही का काम करते हैं, तुम नारियल नहीं फोड़ना। बोले ऐसा नहीं चलता साहब। बोले हमको 5-6 साल हो गए, हमको 7-8 साल हो गए, कोई ट्रस्टी ने हमको मना नहीं कर रहा, अरे हमको मना कर रहे। नहीं नहीं, वो बोले तुमको मेरी सुनना पड़ेगा। बोला ऐसा होता नहीं, आप जातिवादी बात कर रहे। बोला साहब, बोला कभी भी अपर कास्ट के घर गए तो उन्हीं की चारपाई पर दलित को बैठने का अधिकार नहीं था। जाति को डॉक्टर अंबेडकर इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इस बंधन ने मनुष्य को बांटा। जमीन, हवा, पानी, सब जगह दलितों पर बंदिश थी। सवर्ण जो है वो शासन करते हैं और मालिक हैं, जबकि अछूत उनकी खानदानी गुलाम प्रजा है। तुम किस जाति के हो? गांधी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंबेडकर नागरिक हकों की लड़ाई में जुटे थे। मंदिर में प्रवेश की लड़ाई थी तो गांव के कुओं तालाब से पानी के लिए सत्याग्रह भी करना पड़ा। बापूजी कह रहे थे कि आप विलेजेस के लिए तरफ जाइए, गो टू द विलेजेस। उसी समय डॉक्टर अंबेडकर अपने अनुयायियों को कह रहे थे कि आप गांव को छोड़कर शहर में आ जाइए। हिंदुस्तान के गांवों में दलितों के लिए जाति की जंजीरें थीं और जीने का सहारा झूठन था। लिहाजा अंबेडकर को यकीन था कि दलितों की मुक्ति का रास्ता शहरों से होकर गुजरता है। इसलिए खुद भी कोलंबिया और लंदन में पढ़ाई की, फिर हिंदुस्तान में हक से जीने की जद्दोजहद के बाद मंत्र दिया, पढ़ो, संगठित हो और हक मांगो। बाबा साहब अंबेडकर के पहले भी हमारे यहाँ नायक हुए हैं, गांधी को ले लें, नेहरू को ले लें, टैगोर को ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं विकासात्मक धरातल पर उन नायकों की जो पूंजी थी वो न्याय दिलाने में कामयाब नहीं हुई है। जो पृथक समाज था, दीगर समाज था, दलित समाज था, गांधी का ग्राम स्वराज हो, नेहरू का सोशलिज्म हो, मार्क्सवाद हो, कहीं ना कहीं ये दलितों को न्याय दिलाने में सफल नहीं हुए हैं।
गांधी भी छुआछूत को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो हृदय परिवर्तन में यकीन करते थे, पर अम्बेडकर को इस बात पर भरोसा नहीं था। गांधी गांव जाने की बात कर रहे थे तो अम्बेडकर कहते थे कि शहर जाओ और उच्च शिक्षा हासिल करो। आजादी के बाद देश के संविधान ने तो बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात किया और दलितों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के मौके दिए, लेकिन संविधान बदला, देश का मन नहीं। इस लड़ाई को 21वीं सदी में यदि आगे बढ़ाना है तो हमें अंबेडकर के विचार को आगे ले जाना होगा, और आगे ले जाने के लिए उसमें सामाजिक न्याय की परंपरा के सभी लोगों को जोड़ना होगा। बाबा साहब से पहले फुले को जोड़ना होगा, नारायण गुरु को जोड़ना होगा, पेरियार को जोड़ना होगा, उनके समय के राम मनोहर लोहिया को जोड़ना होगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की खुदकुशी शिक्षा के मंदिरों का ऐसा ही सच उजागर करती है। मेरिट लिस्ट में शुमार होने के बाद भी रोहित के सामने जाति रोड़ा पनी रही, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में पढ़ने के बाद वतन में कभी अम्बेडकर किराए के घर के लिए जद्दोजहद करते रहे तो कभी दफ्तर में प्यास की तड़प बुझाने के लिए बगावत। तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे एतराज होता है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। रोहित भी अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहता था, उस लड़ाई को नई धार देने की उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन इन ख्वाहिशों के पंख को वक्त से पहले काट दिया गया। आत्महत्या नहीं की उसने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए, उसने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए। उसने कहा कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूं जिसमें मेरे देश जैसे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। रोहित वेमुला केस अभी सुर्खियों में है, लेकिन अखबारों के अंदर के पन्नों पर गौर कीजिए तो पता लगता है कि गैर बराबरी का घाव देश भर के शिक्षण संस्थानों में नासूर बनता जा रहा है। 47 जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनमें से एक दलित होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कोई नहीं होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो प्रतिनिधित्व पॉलिसी लेवल पर होना चाहिए उसका नितांत अभाव है, और पॉलिसी लेवल पर जब तक दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वह पॉलिसी के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर परिलक्षित नहीं होगा। सवाल सिर्फ कम नामी कैंपसों का नहीं, देश और दुनिया में देश के नामी शिक्षण संस्थानों में दलित बनाम गैर दलित की आग सुलग रही है। IIT, एम्स और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थान में अम्बेडकर की बात करना भी मुसीबत मोल लेने जैसा है। मुझे पीट पीट कर प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं, प्रिंसिपल के सामने ही मारते हैं मुझे। प्रिंसिपल कुछ नहीं कहती, इसको कोई जवाब नहीं देती। मेरे से पोस्टर भी छीन लिया जाता है, और जब मैं घर पे फोन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा फोन भी छीन लिया जाता है। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जब मेरिट बोले ना तो मेरिट तो हम रोज बहुत सारे एग्जाम लेते हैं, बहुत को फेल करते हैं मेरिट। है जितने फर्जी लोग हैं, कोई तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सुपरवाइजर पकड़ लेगा। बाबा साहब का प्रेजेंस उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी हुआ है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पर बात चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार बाबा साहब के बात करने वालों के खिलाफ होगी या बात बाबा साहब के खिलाफ होगी। अगर ऐसी बात देखें तो मुझे नहीं लगता है कि सीधे विचारधारा के धरातल पर बाबा साहब का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के समय में विरोध कर रही है। आगे देखिए कारोबारी दुनिया में दलितों का हाल जारी है। अंबेडकर हमें माफ करना।
दलित समाज का इतिहास आजादी पर बेड़ियां कसे जाने का इतिहास है। दूसरे के हुक्म पर अमल करना समुदाय की तकदीर थी, पर बेहतरीन अर्थशास्त्री होने के नाते अंबेडकर ने गढ़ा था दलितों की आर्थिक मुक्ति का अर्थशास्त्र। ये क्यों, कोई क्यों नहीं कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वैचारिक नींव डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा है? यह कोई क्यों नहीं कहता कि भारत एक उन्नत देश बन सकता है? इस बात को व्यापक स्तर पर दुनिया में अम्बेडकर ने रखा है, भारत की काबिलियत को अम्बेडकर ने रखा है। ये कोई तो कह दे एक बार उनकी किताबों को पढ़ करके कि अम्बेडकर तो इस देश को अमेरिका बनाना चाहते थे। स्टैंड अप इंडिया के सियासी शोर जुमलों की बाजीगरी से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो हौसला और हिम्मत दिया, उससे लाख मुश्किलों के बाद भी आज दलित अरबपतियों की पूरी एक खेप तैयार हो गई। ये वो चेहरे हैं जो हिम्मत और हौसले की कहानी कहते हैं। जाति की जंजीरों को तोड़कर, सुविधाओं से महरूम रहकर, भेदभाव सहकर इन्होंने अपने लिए मौके बनाए। अंधी गली में इन्हें सिर्फ सहारा मिला अंबेडकर नाम की रोशनी का। यह जो सरनेम के टाइटल है, इससे जाति पता चल जाती है तो वो फिर बैंक का मैनेजर की ट्रीटमेंट ही बदल जाती है। वो पता नहीं कौन बैठा है उस बाजू में। फिर अगर कुछ टाइटल्स ऐसे है कि जिससे जाति नहीं पता चलती, जैसे भोसले है जो अपर कास्ट में भी है, गायकवाड़ है वो दोनों में भी आता है, तो उससे जाति पता नहीं चलती। फिर उसका एड्रेस ढूंढते हैं, फिर एड्रेस के ऊपर अगर लिखा है अंबेडकर नगर है तो ही आइडेंटिफाइज दैट दिस गाय ये दलित समाज का। तो ऐसे बहाने बहुत है बैंकों के पास लोन न देने के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अंबेडकर मैनिफेस्टो में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज पर जोर था। रीजन में दलित मर्सिडीज खरीद सकता है और ठाकुर साहब को अपना ड्राइवर बना सकता है। एक बात तो ये किया कैपिटलिज्म ने कि आपका जो सोशल मार्केट है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी चुटिया हो, कितना भी बड़ा जनेऊ पहन रखे हो, अगर हाथ में पैसा नहीं है तो आपको दुकानदार मोबाइल नहीं बेचेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके अंदर अभी तक दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और इस बात से ये बात प्रमाणिक होती है कहीं ना कहीं कि दलितों के अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था, संविधान संबद्ध वो प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि अंबेडकर पूरी जिंदगी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई जाति प्रथा से लड़ते रहे। दिसंबर 1956 में अंबेडकर दुनिया छोड़ गए और इससे ठीक दो महीने पहले अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अंबेडकर का बौद्ध बनना जन्म के बंधन और जाति की गुलामी के खिलाफ बगावत थी। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 1932-33 से ही उन्होंने चेतावनी देना शुरू कर दिया था हिंदू समाज को कि हिंदू समाज में सुधार आए। जब सुधार नहीं आए तब थक करके या जब असफल हो गए तब जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म इसी मिट्टी का धर्म है और बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है। ये कि तकदीर में पिछले जीवन में यह था इसलिए अछूत पैदा हुआ हो या गरीब पैदा हो या लंगड़ा लूंजा और अंधा कोढ़ी इसलिए पैदा हो रहा है कि पिछले जीवन का पाप है, सब कुछ नहीं, जाति नहीं, इसलिए उन्होंने अपनाया था। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर कांग्रेस से बगावत की और कानून मंत्री का पद छोड़ा। आजादी के बाद आरक्षण के कारण दलित एक बड़े वोट बैंक में तब्दील होते गए। विडंबना देखिए कि आज आरक्षण दलितों की मुक्ति का रास्ता नहीं बल्कि दलित वोट बैंक की जरूरत बनकर रह गया है। डॉक्टर अंबेडकर को शुद्ध एक लिफाफा बनाने की कोशिश हो रही है जिस लिफाफे के अंदर जो चाहे अपना मजमून डाल दे। आरएसएस का मना है वो अपनी बात डाल दे, कांग्रेस का मना है वो अपनी बात डाल दे। डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा चलेगा
विचार नहीं चलेगा, आज इस चीज का खतरा है। आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, समाज बांटने की प्रक्रिया नहीं है। इसको लोगों ने चंद नौकरी का खेल बना के राजनीति जरूर करी है। बीएसपी और मायावती ने अंबेडकर को नए सिरे से परिभाषित किया। मायावती ने अंबेडकर के जन्मदिन को जश्न की तरह मनाना शुरू किया। वोट का दिन ऐसा पहला दिन होता है जब ठाकुर साहब और हम एक ही लाइन में खड़े होते हैं। तो ये दलित का वोटिंग जो बिहेवियर है, ये बहुत ही कमिटमेंट के साथ वोट करते हैं। तो 20% का अगर 15% भी किसी पार्टी को मिल गया तो वो तो फिर राज करेगा। इसका सबसे बड़ा आगे देखिए, कब सच होगा अंबेडकर नाम का ख्वाब। जारी है अंबेडकर हमें माफ करना। तब उन्हें जाकर मेरी देशभक्ति का एहसास होगा। अंबेडकर आज पार्टी के एजेंडे में हैं, लेकिन अंबेडकर के सपने को सच करता कोई नहीं दिखता। ताज्जुब ये है कि अंबेडकर की शख्सियत को अब दुनिया भी नई रोशनी में देख रही है। यूएन में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। वो गांधी, मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की कतार में शामिल हो गए हैं। दुनिया की हर चीज जिसमें कुछ होता है उसका फैशन बनता है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में, उनके विचार में विश्वास करते हैं, क्या वो लोग उनके विचार की धार को, उसके पैनेपन को, उसके सच्चाई को, उसकी प्रामाणिकता को बनाए रखना चाहते हैं? क्या वो उसको बनाए रख सकते हैं? क्या वो कम से कम एक ऐसी छोटी धारा बना के रख सकते हैं जहां उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा सके? ये सच्चा इम्तिहान है। अंबेडकर की जिंदगी पर बनी बायोपिक को 14 साल तक दूरदर्शन पर दिखाया नहीं गया। जब आरटीआई के जरिए इस पर सवाल उठे तो संविधान दिवस यानी पिछले साल 26 नवंबर को राज्यसभा टीवी पर इसका प्रसारण रात में हुआ और अब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर इसे दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। दलितों के सूखे सपनों में रंग भरने के लिए अंबेडकर ने जो कुछ किया, इस पर अंबेडकर ने खुद कहा था कि एक दिन इतिहास उनको जरूर समझेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज इस देश के हिंदुओं के दिल में सबसे ज्यादा नफरत मेरे लिए है। मुझे देशद्रोही करार दिया गया, नाशक ठहराया गया हिंदुत्व का, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन जब ये धुआं हट जाएगा और जब इतिहासकार निष्पक्ष होकर मेरी जिंदगी का वापस लेखा जोखा करेंगे, तब उन्हें जाकर मेरी देशभक्ति का एहसास होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं कि पीड़ित वर्गों का मेरे काम में असीम विश्वास है।